तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन एंड एक गर्ल स्ट्रीमर के बड़े मैटर के बारे में। आगे मैं आपको पूरा मैटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जिस पर हमको काफी सारे रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये मैटर में गाइस कुछ एलिगेशन भी लगाए गए हैं। तो गाइस, यूट्यूबर अजित रू कल एक लाइव स्ट्रीम किए थे जहाँ पर उनके फ्रेंड्स एंड उनकी सिस्टर्स भी बैठी हुई थी एंड वो काफी सारे यूट्यूबर्स एंड ई स्पोर्ट प्लेयर्स के ऊपर रिएक्शन कर रहे थे। तो फिर वो रिएक्ट किए गए जोनाथन के रिलेटेड, जहाँ पर उनकी सिस्टर मनु जोनाथन के रिलेटेड कुछ ऐसा बोलती हैं कि जोनाथन अहंकारी है एंड फेमस होने के बाद वो एरोगेंट बन गए हैं। एग्जैक्टली उनके लाइव स्ट्रीम की क्लिप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। वैसे जोनाथन का एक और चीज है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना क्या लग रहा है, लग रहा है उनकी बात ली है, लग रहा है बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जोनाथन कितना ईगो वाला बंदा है, क्यों मैंने देखा इसको, मिली हूं मैं, ठीक है मैं मिली हूं इसको। ऑलराइट चैट, बट ही हैज लाइक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ऑडियंस लाइक ऐसे, तो तेरे को रेडी हो जा, अगर तू वायरल, ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो, तुम अगर ये बोलेगा कि तो बहुत गंदी लड़की है, ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम खुद गधे हो क्योंकि वो भी टॉक्सिक है, तुम्हारी ऑडियंस भी टॉक्सिक है, वो बहुत एरोगेंट इंसान है। आई मीन मेरी कभी बातचीत नहीं हुई उससे इतना ज्यादा, ठीक है, बट देखती भी नहीं, उसने तेरे से बात करी नहीं थी। अरे मैंने कभी बात, मैंने उससे बात नहीं करी अभी दिन तक। हाँ तो वही तरह ना, लाइक आयरल ऐसे कॉन्वो ही नहीं हुआ ऐसे करके, तो आई डोंट नो, अगर लेकिन एग्जांपल अगर मेरा आयरल ऐसा कॉन्वो होता और मुझे लाइक ऐसा लगता तो मैं स्ट्रेट अप बोलता। बट हाँ, आरती एक बार जोनाथन को मिला था, जितना मेरे को याद है, जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, तो वो सीन हो जाता है, वो एरोगेंस वगैरह तो आई जाता है। नॉट आई मीन एग्जांपल में अगर तू, नॉट एवरीवन इज ट्रिगर्ड इंसान भाई, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा भाई, देख सबके पर्सनल ओपिनियन है, आई अप्रिशिएट भाई कि मेरे ऑडियंस में लाइक मेरे ये लोग डर नहीं रहे हैं भाई, पहले हटा दे ताकि मैं बोलूं वो वायरल नहीं जाएगा। कोई नहीं, बट हां टेल करो, तुम लोग के हिसाब से अगर वो सब हटा के अगर तू रेट करे जोनाथन को लुक स्पाइस तो कितना रेट करेगी? 6। ऑब्वियसली गाइस, ये चीज काफी लोग को पसंद नहीं आई एंड फिर इस पर हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नियो की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जहाँ पर वो ये लिखे दीदी को प्यार देना है। देन उसकी नेक्स्ट स्टोरी में वो ये लिखे थे 2 plate momos please एंड फिर एक स्टोरी में ये लिखे थे ये कौन है प्लीज समवन टेल मी और शी वॉन्ट्स फेम। बट इसके कुछ टाइम बाद ये स्टोरीज को गाइस नियो डिलीट कर दिए थे। फिर गॉड लाइक के एक और मेंबर है SSR व्लॉग, उनकी तरफ से भी हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहाँ पर वो ये लिखे। आओ कभी बताते हैं ऑडियंस कैसे है। बेसिकली SSR व्लॉग्स वो चीज पर रिप्लाई किया जब ये बोला गया था कि जोनाथन का फैन बेस टॉक्सिक है। एंड इसके बाद गाइस कमलजीत पाजी भी लाइव आए थे इसके रिलेटेड, वो भी रिएक्ट किए, अब देखिए। गाइस देखो, जो भी है जिसने भी ऐसा भी रिएक्ट किया, बट गालियां मिली ऐसा किसी को हेटफुल मैसेजेस मत देना, हम लोग बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है। तो प्लीज नियो तो मेरे को मालूम है अभी क्या करने वाला आगे जाके, आई नो नियो थोड़ी ना चुप बैठेगा, नियो कोई बोलता हूं 3-4 लड़के लड़कियां पीछे रख कर दे रिएक्ट टू भी, मैं खुद आज इतने टाइम बाद लाइव आया हूँ कि मतलब। एंड फिर गॉड लाइक गेमिंग गुरु एंड क्रो की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली थी, वो भी काइंड ऑफ ये चीज को ट्रोल करते हुए एक स्टोरी अपलोड किए थे, आप देखिए। अरे यार क्या किया जाए यार, यूट्यूब वीडियो पे एंगेजमेंट लाने के लिए जोनाथन को कुछ उल्टा पुल्टा। अरे नहीं यार, वो अच्छा बंदा है, तेरे से अच्छा होगा भाई, देखो अगर एंगेजमेंट चाहिए तो जोनाथन के बारे में थोड़ा उल्टा बोल दे, उसको बोल दे कि एटीट्यूड में उसका जो वीडियो डाला हुआ है ना, ये ह्यूमैनिटी और ये सब थोड़ा किसी को चैरिटी वाला भाड़ में जाए, गोड भी लाइव आए थे वो भी इस पर रिप्लाई किए। एंड अब गाइस आपको दिखाता हूँ ऑडियंस का रिएक्शन रचित रू की वो लाइव स्ट्रीम पर, कुछ ये कमेंट्स हैं। जोनाथन फन स्ट्रीम इज बिगर देन योर होल करियर। देन एक जन ये लिखे टॉक्सिक फैन बेस, नो लॉयल फैन बेस। गाइस बच्चे थोड़ा फेम मांग रहे हैं तो दे दे क्या। देन एक जन ये लिखे अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो तो बिना उसके बैकग्राउंड एंड नेचर को जाने उस पर सिली वर्ड्स मत बोलो। देन एक जन ये लिखे भाई मतलब कुछ भी, फेम के लिए जोनाथन का नाम मिलता है। देन एक जन ये लिखे दीदी अगर आप MS धोनी से नहीं मिल पाओ तो क्या ये सेम चीज आप आकर बोलोगी लाइव स्ट्रीम पर कि धोनी एरोगेंट है और जब उसके फैन से गाली पड़ेगी तो बोलोगे उसके फैन टॉक्सिक हैं। अब गाइस ये तो थे पूरे रिएक्शन, बट इसके बाद रचित रू की सिस्टर मनु की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली बेसिकली जहां पर वो जोनाथन को सॉरी बोली, आप देखिए। So, मैंने अभी कुछ देर पहले एक स्ट्रीम किया था ऑन माय ब्रदर्स चैनल, ठीक है, एंड इन विच आई सेड समथिंग जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रीम एंडेड मैंने उस स्ट्रीम को फिर से देखा एंड उस पार्ट को देखा एंड आई रियलाइज कि यस, मैंने जिस वे में वो बोला वो बहुत गलत था, ऑल्सो मेरे वर्ड्स भी गलत थे, आई अंडरस्टूड दिस आफ्टर द स्ट्रीम एंड ऑनेस्टली मेरा जो तरीका था वो गलत था, बट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से वॉज समथिंग एल्स एंड जो डिलीवर हुआ वो बहुत ज़्यादा अलग था। And honestly, I realized कि मेरा words गलत था उस time पे, and for that,
आई एम रियली सॉरी टू जोनाथन एंड आल्सो टू यू ऑल। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नियो की तरफ से हमको कुछ स्टोरीज देखने को मिली थी, तो वो चीज पर रिप्लाई करते हुए रजित रू कुछ सीरियस एलिगेशन लगाया एंड वो अपनी स्टोरी में ये लिखे, ब्लैक पैंथर मेरी सिस्टर मनु को बोला गया बिकॉज शी इज ब्राउन एंड दो प्लेट मोमो वाला थिंग इज फॉर माई फ्रेंड टेंजी कॉज शी इज फ्रॉम तिब्बत। लिटरली गाइस, दीज आर सीरियस एलिगेशन। लेट्स सी हमको नियो की तरफ से कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो फर्दर नियो को टैग करते हुए वो ये लिखे, भाई आपको भी कॉल करता हूँ लाइव स्ट्रीम पर, स्टोरी रिलेट करने की जरूरत नहीं थी, इंटरनेट पर सब रहता है। एंड नीचे वो ये लिखे, इवन दो मनु एंड टेंजी का गलती है बट आई वॉन्ट एक्सेप्ट इस कमेंट्स मेरी बहन पे एंड मेरी दोस्त पे। एंड इसके बाद गाइस, रचित रू क्रॉन्टन से बात किए होंगे जिस पर वो ये लिखे, मेरी क्रॉन्टन से बात हुई एंड ही अंडरस्टूड कि इट वाज नॉट इंटेंशनली एंड मनु एंड टेंजी डिड अ मिस्टेक, ऑलरेडी उन्होंने सबको सॉरी बोल दिया है। एंड इसके बाद गाइस, जो वो जोनाथन के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिए थे उसके रिलेटेड वो लाइव आने वाले हैं क्रॉन्टन के साथ में। एंड इसके बाद गाइस, रचित रू का एक कमेंट आप देख सकते हो जहाँ पर बेसिकली वो अपोलोजाइज किए थे। एंड फिर इसके बाद हमको गोल्ड लाइक एसएसआर व्लॉग्स की तरफ से एक और स्टोरी देखने को मिली पर वो ये लिखे, गाइस आज की लाइव स्ट्रीम कैंसल्ड, वो लोग ने अपोलोजाइज कर दिया एंड रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द थिंग्स एंड द मैटर इज सॉल्व नाउ, तो आप भी उनको जाकर हेट मत देना। अगर आज वो लाइव स्ट्रीम करके जोनाथन से माफी नहीं मांगेंगे तो फिर मुझे भी मजबूरी में लाइव करना होगा और थोड़ा प्यार देना होगा। तो या गाइस, दिस वाज द होल मैटर। अगर इस पर कोई भी हमको रिप्लाई या फिर रिएक्शन देखने को मिला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है स्काउट पायल एंड मॉर्टल के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो गाइस, वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पर अचानक से हमको स्काउट पायल एंड मॉर्टल के इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पर काइंड ऑफ हमने गेस कर लिया था कि ये कोई एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकती है। एंड फाइनली उसके एडिट गाइस, हमको कैरी मिनाटी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली, आप देखिए। मैंने गेमर्स के सारे अकाउंट हैक किए थे, क्यों? ताकि उन्हें उनकी असली जगह GTverse का पार्ट बना सके। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोब्लिन की तरफ से, वो बात के टीम सोल को लीविंग के रिलेटेड, आप देखिए। ऐसा था कि मैं सोल में था, ठीक है, तो उधर से अमित भाई रिलीज हो गए, तो हम 5 प्लेयर बचे थे। तो ओमेगा डिसाइड किया कि अमित भाई के साथ स्टिक करेगा, तो ओमेगा ने बोला चलो साथ चलते हैं अपना। तो मेरे दिमाग में 50-50 था कि यार जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ। तो आई डिसाइडेड कि मैं सोल में रहता हूँ, बट लेटर अचानक मेरे को पता चला कि मैं ई स्पोर्ट्स लाइनअप में नहीं रहूँगा सोल के। तो मतलब मेरे दिमाग में यही था, दो ही चीज़ें थी, एक तो एक्स टीममेट्स या सोल। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये लोग तो फिर से लेंगे नहीं मेरे को, क्योंकि मैं इनको समझ रहा हूँ ना कि मना करके इधर रुका। उसके बाद मैं RNT में गया, RNT में मैं बहुत अच्छा खेला और मैं 100% फिक्स हो गया था RNT में, सब कुछ डन था। अचानक ओमेगा से मेरी बात हुई, मतलब होती रहती थी बात, ऐसा नहीं होती थी, बट टीम के रिलेटेड बात हुई। तो ओमेगा वॉज लाइक कि यार मतलब तू एक बार सबसे बात कर ले। मैंने सबसे बात की तो सबने बोला कि यार मतलब तेरे को नहीं रुकना चाहिए था, हमारे साथ आ जाना चाहिए था। मतलब वो था कि मतलब आई फील कि मेरे को इनके साथ पहले ही आ जाना चाहिए था। उसके बाद मैं RNT में गया, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ 10 दिन के, तो मेरे को एक ब्रेक दे दो। तो RNT वाले बोले यार सच बता क्या सीन है, क्या सीन है। तो मैंने यार मैं सोचा यार क्यों झूठ बोलना, तो सेंसी से बात हुई और मैं कार्निवल में डन हो गया, फिर मैं फिर से कार्निवल में आ गया। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGIS के रिलेटेड। तो गाइस, राउंड 3 डे 3 की ओवरऑल स्टैंडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर नंबर 1 पर रही है कार्निवल गेमिंग एंड वो क्वालिफाई कर गए हैं फॉर राउंड 4। बट गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा के मैचेस होने वाले हैं ऑफलाइन एंड फिर उनकी तरफ से हमको कुछ मैसेजेस देखने को मिले, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हाइड्रा क्वालिफाई नहीं कर पाई है फॉर राउंड 4। आप लोग हमेशा से सपोर्ट करते आए हो एंड उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है। अब देखो, मी बीइंग अ ओनर, मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, बिकॉज मैं थोड़ी वहाँ खेलने गया था, तो मैं तो था ही नहीं खेलने के लिए ना। तो अब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने करके दे दिया। मैं प्लेस प्रोवाइड करवा सकता था तो मैंने वो प्लेस प्रोवाइड करवा दिया, मैं डिवाइस दे सकता था तो मैंने एकदम लेटेस्ट डिवाइस दे दिया, ये देखो डिवाइस अभी मेरे पास पड़ा है 15 Pro। वो नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या अब क्या ही कर सकते हैं ना गाइस, नहीं हो पाया यार। अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो अनाउंसमेंट तक चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट या ऑफिशियली वी आर आउट ऑफ BGIS एंड इसका मुझे बहुत दुख है, जितना आप लोग को दुख है, बिकॉज ये सारी चीजें मैं BGIS के लिए ही कर रहा था। एंड इसके बाद जब थक भाई लाइव आए थे, काफी लोग इसके रिलेटेड उनको लिख रहे थे, जिस पर वो रिएक्ट किए एंड साथ ही में ही रिएक्टेड ऑन क्लच गॉड वर्सेस मेजी कंट्रोवर्सी, आप देखिए। काफी टाइम हो गया यार उनका कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है, हाइड्रा लास्ट मुझे याद नहीं है कब परफॉर्म करती है ई-स्पोर्ट्स में। मेजी क्लच गॉड कंट्रो यार उन दोनों का मैटर है, वो नहीं है, देख रहे हैं क्या चल रहा है।
फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के रिलेटेड। तो गाइस कल था ये आईपीएल का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मैच, जिसको आरसीबी ने 20 रन से जीत लिया एंड वो क्वालिफाई कर गए हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। इसके बाद हमको स्नैक्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखने को मिले, जिस पर वो ये लिखे, भाई क्या मैच था यार, महाकसम ब्रो, व्लॉग देखना तुम, लाइफ टाइम याद रहेगा ये मैच, आई शपथ। एंड इसके रिलेटेड फिर वो ये कहे, भाई यारो पब्लिक महाकसम, भाई अभी भी है ना भाई वो मोमेंट में, भाई मैं वो स्टेडियम वाले भाई व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, 22 मिनट का व्लॉग एडिट हुआ है, तुम कल सुबह व्लॉग देखना भाई, कसम से बोल रहा हूँ, हर एक आरसीबी फैन जो मेरे को फॉलो करता ना भाई, ये व्लॉग मिस मत करना मेरी जान, ऐसे इमोशंस दिखेगा ना भाई तुम लोगों को, पागल हो जाओगे भाई। भाई क्या मैच था यार, अब सीधा अहमदाबाद में मिलूंगा, मां की किरकिरी दबा के सपोर्ट करूंगा उधर भाई। 6 मैचेस बैक टू बैक 6-6 जीते भाई, 6 मैचेस पहले 1% चांस था आरसीबी का क्वालिफाई करने का, 1% ब्रो, इनसेन। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एस ईयर 12 कृतिका के रिलेटेड। तो वो रियड के पिछले कुछ दिनों में वो लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर पाए थे, अब देखिए। रोना करती है। हां हां, अब बता आप इतने दिन से कहां थी, स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रही थी? यही वाला घर सेट कर रही थी इतने दिनों से, कैसा लगा? तो आपने घर तक दिखाया कुछ, मेरे आने का वेट कर रहे थे? हां दिखाइए। और ये क्या लो पावर मोड, आपके आने का वेट कर रहे थे। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।